Java Shell, a programmer's pearl. हेलो फ्रेंड्स, गुड टू सी यू बैक। तो आज का हमारा टू प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कशन होगा, और पहला होगा फैक्टोरियल प्रोग्राम इन जावा और दूसरा हाउ टू प्रिंट एस्काई वैल्यू इन जावा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोग्राम, दैट इज फैक्टोरियल प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल ऑफ अ पॉजिटिव नंबर जो हम लेंगे कि अगर यूज़र हमारा कोई भी नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर इनपुट करे तो उसका फैक्टोरियल का आंसर आ जाए। व्हाट इज़ फैक्टोरियल एक्चुअली? अगर फैक्टोरियल हम एन ले रहे हैं सपोज, तो एन का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 × 2 × 3 × 4 × n। जितना भी नंबर होता है उसके स्टार्टिंग नंबर से लेकर उस नंबर तक हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम कोई फैक्ट नंबर ले लेंगे सपोज। एक तो वो नंबर होगा जो हम यूज़र हमारा इनपुट करवाएगा, एक फैक्ट हम लेंगे 1, और उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे जिससे क्या होगा, आप देख रहे हैं इस लूप में क्या चाहिए हमारे को कि ये 1 + 1 + 1 हो। तो हमारा जो i की वैल्यू होगी वो +1 + 1 होती जाएगी, और इस तरह हमारी एक फॉर लूप चल पड़ेगी। तो इससे हमारा एक रिजल्ट आ जाएगा, और हम फैक्ट में फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू जो भी हमारी वैल्यू होगी। सपोज जो हमने i लिया है, आई पहले हमारा 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड टिल n। तो ये हमारा एक तरह से फॉर्मूला लगेगा। अब हम इसे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। आपको आई होप इसका एक छोटा सा सूडो कोड समझ आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रोग्राम। तो हमने यहाँ स्कैनर क्लास पहले ही ले ली है, बिल्कुल वैसे ही ये हमारे लास्ट प्रोग्राम का था। तो हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं int number and यहां पर आ जाएगा int। ध्यान रखिए दोस्तों, ये sphere engine है, बिल्कुल notepad की तरह काम करता है। so we have to be very very particular, ये हमें कोई hint नहीं देने वाला। so ये हमारी आगे input value जो हमारा user डालेगा। अब हमने पहले अपने उसमें डिस्कस किया था कि हमारे फॉर्मूले में पहले एक इंट फैक्ट करके ले लेते हैं नंबर। फैक्ट मीन्स फैक्टोरियल, जो बार बार मल्टीप्लाई होगा। इसको हम पहले 1 डिनोट कर देते हैं। जैसे हम कोई भी वो सम निकाल रहे थे, हम 0 लिख रहे थे, 1 लिख रहे थे, तो हमें यहाँ पर भी एक वैल्यू देनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर 1 ले लिया है। इन मल्टीप्लीकेशन दोस्तों देयर इज़ अ हिंट, यू शुड ऑलवेज टेक 1। अगर आप 0 लेंगे तो आंसर कभी भी हमारे पास आएगा ही नहीं। सो आई होप आई एम क्लियर। अब हम अपनी लूप लगाते हैं फॉर इंट, सॉरी ब्रैकेट स्टार्ट, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 सेमीकॉलन आई लेस देन इक्वल टू नंबर जो हमारी यूजर ने वैल्यू डाली होगी एंड आई प्लस प्लस। इंक्रीमेंट होता जाएगा फ्रेंड्स। बहुत ही इजी प्रोग्राम है फ्रेंड्स, बट स्टिल आपको अगर सिर्फ लॉजिक पता हो देन एवरी प्रोग्राम इज इजी। तो मुझे आपको बस लॉजिक समझाना है, आई एम हियर फॉर योर लॉजिक्स। मैं चाहती हूँ कि आपके लॉजिक्स क्लियर हो जाएं। तो अब फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंड इट विल चेंज जब तक लूप चल रही है। अभी क्या होगी, फैक्ट जो हमारी वैल्यू 1 है इंटू आई जो भी हमारी 1 ही है, उसके बाद वो इंक्रीमेंट होगी यहाँ पर आई प्लस प्लस में इंक्रीमेंट हो जाएगी। फिर हमारी लूप फिर आएगी 1, फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 × 2, फिर वो फिर से स्टोर हो जाएगी, ये 2 की वैल्यू हो जाएगी। फिर हमारी फैक्ट की वैल्यू क्या होगी 2 × 3,
इस तरह ये बार बार मल्टीप्लाई होगी फ्रेंड, और फाइनली हमारा आउटपुट आ जाएगा जो हम यहाँ पर निकालेंगे। हम यहाँ पर प्रिंट नहीं कर सकते फ्रेंड्स, क्योंकि लूप के बीच में एवरी आउटपुट आ जाएगा और वो हमारे को कंप्लीट फैक्टोरियल का आंसर नहीं देगा, इसलिए हमारे को लूप के बाहर लिखना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन लिख दिया है। सो फैक्टोरियल, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखूंगी, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज फैक्ट। अब हम इसे रन करने की कोशिश करते हैं, पहले हम जाएंगे और क्लियर करते हैं। हमने यहाँ एक वैल्यू डालनी है, लेट इट बी, हमें 7 का फैक्टोरियल चाहिए। और अब आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। सो द फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज 5040। ये रन हो चुका है एंड इट इज सक्सेसफुल। अब आते हैं हम अपने दूसरे प्रोग्राम में। सो दिस इज आर सेकेंड प्रोग्राम, ये इसकी कोडिंग है और मैंने यहाँ पर स्कैनर क्लास इंट्रोड्यूस कर दिया और मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रोग्राम में एक्चुअल में क्या हो रहा है और हमें एक्चुअल में चाहिए क्या है। हमें ASCII वैल्यू किसी भी करेक्टर की चाहिए फ्रेंड्स, और ASCII वैल्यू एक वैल्यू होती है जो जो वो लोग सेट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। सपोज ए की वैल्यू विल बी समथिंग इन नंबर्स, वो होती है एक इंटीजर नंबर में होती है। सो हमारा प्रोग्राम आज का ये है कि जब भी हमारा यूज़र कोई करेक्टर इनपुट करे तो हम उसे बदले में उसकी ASCII वैल्यू बताएं। आई होप मेरा क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, हमने इससे रिलेटेड प्रोग्राम अपने पहले भी ट्यूटोरियल्स में किया है जब हमने ASCII वैल्यू के ऊपर वर्क किया था। सो मैं इस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगी। आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए मेरी पहले वाली ट्यूटोरियल्स चेक कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस करने आई हूँ वो है स्कैनर क्लास में कि हमें यूज़र से करेक्टर कैसे इनपुट लेना चाहिए। पहले तो हम बिल्कुल स्कैनर क्लास इंट्रोड्यूस करेंगे सिस्टम डॉट इन, और फिर जब हमें वेरिएबल के अंदर स्टोरेज कराना है तो पहले तो हम करेक्टर और उसका नेम लेंगे जो कोई भी हो सकता है। करेक्टर सी मैंने ले लिया है, फिर एस सी डॉट नेक्स्ट। हम नॉर्मली इंट यूज़ करते हैं और स्ट्रिंग के लिए लाइन यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ नेक्स्ट यूज़ करेंगे और एम्प्टी ब्रैकेट्स डॉट कैर एट और इसके अंदर ज़ीरो। ये एक तरीका है जब हमें करेक्टर इनपुट चाहिए यूज़र से। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा ASCII कोड जो होता है वो इंटीजर नंबर में होता है, हम इसे इंट में चेंज कर देंगे। हम उसकी जो वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यूएबल में स्टोर करा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंट ए इज इक्वल टू सी। अब हम इसे यहाँ पर प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, एंड ASCII वैल्यू ऑफ जो भी हमारे यूज़र का इनपुट होगा वो हमें प्रिंट हो जाए। तो हम इसे रन करके देखते हैं। पहले हम इनपुट डालेंगे यहाँ पर कोई भी, लेट इट बी जी। अब हम इसे रन करेंगे, वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, एंड ये रहा हमारा आंसर 103। सो दैट इज फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई पेज। Thank you. Bye-bye. Please don't forget to like, subscribe, and share my page.